ये वांके बुझिए क्या होता है। चला जा कैलाश में, शिव को शीश नवाए, रंग रहे रूप रहे काया रहे, सचेत पीने वाला मगन रहे मुंजी रहे अचे। स्प्राइट के अंदर वांग चल रही है। अरे वाह, दिल खुशहाल। अरे वाह, ज्यादातर दिल खुशहाल हम येलो कलर का देखते हैं, पर आज आपको मैं ग्रीन कलर का दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो यार सबसे पहले तो ना मेरी तरफ से आप सभी को होली की राम राम। हाँ जी यार, भाई का लुक आज चेंज है थोड़ा सा, पगड़ी शगड़ी पहन रखी है, साफा बोल सकते हो, पगड़ी बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई को प्यार से आप बुलाना चाहो कह सकते हो। यार होली का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। यार आप सबको क्या करना है, हंसते खेलते रहना है, खुश होकर रहना है, बस और कुछ नहीं है, ज़िंदगी ऐसे ही करती रहेगी। तो भूखा बाबा की तरफ से आप सबको एक बार फिर से हैप्पी होली। तो भाई यार थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। आज मैं जितने भी आइटम आपको दिखाऊंगा ना, सारे के सारे सब में भांग मिक्स होगी। होली का माहौल है यार, और भांग ना हो ऐसा हो नहीं सकता, पर भांग होगी लिमिट में, ओवर लिमिट नहीं करनी हमारे को किसी चीज़ की है। कहाँ कहाँ जाऊँगा, क्या क्या करूँगा सब बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करो कि ना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। तो यार चलते हैं, आ जाओ भांग की तरफ। क्या नाम है आपका? रामलाल जी। रामलाल जी, रामलाल जी कितनी पुरानी शॉप है ये? हमारे दादाजी पिताजी 70-80 साल पुराने, हमने भी 40 साल हो गए। 40 साल हो गए आपको? हाँ। और 70-80 साल पुरानी है? हाँ। शॉप है ये, भुजिए ये भांगे भुजिए। यार आप बहुत लोगों ने ना सुना होगा पर देखा नहीं होगा, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या भांगे भुजिए दिखा रहा हूँ। इसके अंदर भांग और ये जावते जाए बल डाल के फिर बनाया जाता है। अच्छा, होली के दिन में मिलते हैं। क्या रेट अंकल इसके? 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो है ये? 20 रुपए पीस है। अच्छा, मतलब पीस के हिसाब से, और अगर हम किलो के हिसाब से देखें तो कितना? 800 रुपए किलो है। दिल खुशहाल। अरे वाह, ज़्यादातर दिल खुशहाल हम येलो कलर का देखते हैं, पर आज आपको मैं ग्रीन कलर का दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या चीज़ है? ये गुलकंद में बादाम पिस्ता। ये गुलकंद में बादाम पिस्ता भांग सबसे प्रसिद्ध है गुलकंद के अंदर है। हाँ, क्या बात है। ये अलग से मतलब कैसे? ये बहुत, ये सिर्फ मेवा का काम है। मेवा का काम है मतलब। ये उनके लिए जो रोज खाते हैं? रोज ना, ये शौकीन है। अच्छा, लेडीज भी खाती है। अच्छा, लेडीज के लिए भी। क्या क्या डाला होता है इसके अंदर? बादाम पिस्ता, काजू, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, केसर है और भांग है। भांग है, क्या बात है। और इसकी क्या रेट क्या है इसकी? लगभग 400 रुपया देते हैं। 400 रुपए? कैसे मतलब? ये पूरे डब्बे का 400 रुपए? 40 साल हो गया। 40 साल से भांग पी रहे हैं, क्या बात है। ओहो, तो कोई कहीं बताओ, मैंने कहीं हुआ कहीं है पीने के बाद क्या होता है? चला जा कैलाश में, शिव को शीश नवाए, रंग रहे रूप रहे काया रहे, सचेत पीने वाला मगन रहे मुंजी रहे अचेत। भांग ठंडाई की दुकान है ये, तिराया है यहाँ पे रांगड़ चौक का, ठीक है ना। पास ही में देखो, हाँ, ये हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है, करंट बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। और उसके राइट साइड में ये देखिए, यहाँ आगे जाओगे तो ये ठेका आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे अगर आपको होली के टाइम पे खासकर, अगर सिर्फ ये होली के टाइम मिले नहीं, सिर्फ होली के टाइम पे है, 10 दिन तक रहता है। होली से 10 दिन पहले? अच्छा, होली से 10 दिन पहले ये आपको मिलेगी। कि स्प्राइट के अंदर भांग चल रही है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, अब देख लो लोग क्या क्या करते हैं यहाँ पे। हम इसका टेस्ट लेने सरदार सेठ से आए हैं। अरे वाह, सरदार सेठ से कहाँ से अभी आप? सरदार सेठ, सरदार सेठ से बीकानेर, क्या बात है। और सिर्फ भांग के मजे लेने, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत सीखिए देखो यार, मेरे इतना ना भुजिया आगे, थोड़े से मैंने भुजिए लिए हैं, और एक दिल गुस्सा लिए और एक लिए कतली। गाइस यार मैं आपको बता दूं, मैं भांग बिल्कुल नहीं खाता हूं, पर मैं यार टेस्ट करने के लिए इस पर मैंने इतना लिया हुआ है। तो ये रहे भांग के भुजिए, ठीक है ना। अब मेरा खुद का पहला है टाइम है कि यार भाई मैं टेस्ट करने जा रहा हूं, ठीक है ना, करता हूं इसको टेस्ट और आपको बताता हूं कि कैसे हैं यार। बिल्कुल जैसे नॉर्मल भुजिए लगते हैं वैसे ही है, और क्या बात है यार, भांग वैसे भी धीरे धीरे असर करती है, और इसमें इतनी क्वांटिटी है नहीं,
थोड़े बहुत हैं, हल्का फुल्का शुरू के लिए आप ये ले सकते हैं। दूसरा आइटम है अपना ये आगे कतली, ये देखिए। अरे वाह, बादाम की कतली वैसे मेरे को अच्छी लगती है, ये मस्त टेस्ट है यार। मतलब आप सोच रहे होंगे कि अगर हरा कलर है तो उसके अंदर टेस्ट थोड़ा ना खारा आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है यार, टेस्ट एकदम सेम वैसा ही आता है जैसे नॉर्मल मिठाई का आता है। बस फ़र्क इतना सा रहता है कि थोड़ी देर बाद हल्का हल्का सा मस्ती है बस, यूँ समझ लो बस, और कुछ नहीं है। शुरू हल्का हल्का सा बिल्कुल लाइट आएगा और कुछ नहीं है, ठीक है ना, डोंट वरी। वाह, इसको ख़त्म करना। एक चीज़ और है, तो भांग को आप ना किसी भी चीज़ में मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी चीज़ करे मनपसंद चीज़ हो तो उसके अंदर मिक्स करके खा लो, ओवर नहीं करना है, गलत वे में यूज़ नहीं करना है इसका, ज़्यादा नहीं लेनी है, लिमिट से लो, मस्ती के लिए लो, बस इतना ही है, ठीक है ना। आप सब लोग इतना ही ध्यान रखना, ओवर नहीं करना है किसी चीज़ का, ठीक है ना। लास्ट आइटम अपने पास पड़ा है क्या है, दिल खुशहाल है तो वही है, तो अभी भी है ना यार, गीत छोड़ ही रहा है, ये लास्ट आइटम है, लेकिन ऊपर देखो यार, ये हल्के हल्के देखो बादाम लगे हुए, वाह। तो ये भी टेस्ट करते हैं। ओ भाई सुपर है यार, क्या टेस्ट है यार, ये वैसे भी मेरा फेवरेट है, और आहा मज़े लो, मज़े बस, और कुछ नहीं है। आ जाओ भाई, होली में मज़े लेगा, ठीक है।